नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इसमें स्टडी बाय कुमार वर्मा में। दोस्तों, आज यूथ इंजीनियरिंग अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पर मैं कुमार वर्मा आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज देश की जनता कर्फ्यू लगाकर कोरोना को टक्कर दे रही है। हिंदुस्तान आज घर में बंद है, बाहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब कुछ बंद हो चुका है। ऐसा क्यों, आखिर क्यों? उसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि जो WHO है, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कोरोना अर्थात COVID-19 अब दुनिया के लगभग 186 से ज़्यादा देशों में फैल गया है। और लगभग कोरोना वायरस की वजह से लगभग 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो इतनी खतरनाक बीमारी अर्थात जो इतना खतरनाक वायरस है, बहुत तेजी से भारत देश में फैल रहा है, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आखिर में? अभी तत्काल में अगर बात किया जाए, भारत में लगभग 460 प्लस में मरीज कोरोना के पाए गए हैं। अगर दोस्तों यह ऐसे ही मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो भारत का जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, उस बिहार पर भारत में तो बहुत तेजी से फैलेगा। तो उसके लिए दोस्तों, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का संकल्प लिए थे हर भारतीय से, जिसे प्रत्येक भारतीय ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ योगदान दिया था, निभाया था, उसी तरीके से जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिनों के लिए अर्थात 3 सप्ताह अर्थात 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है भारत में, तो उसे हमें निभाना है। अब वो समय आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, अर्थात हमें देश सेवा करना है। और सबसे बड़ी देश सेवा इस समय यही है कि व्यक्ति अगर अपने आप को संक्रमित होने से बचा पाए तो सबसे बड़ी देश सेवा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति है वो देशभक्ति मात्र यही है कि आप अपने आप को संक्रमित होने से बचाइए, इससे बड़ी देशभक्ति आज के समय में नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा आप लोगों को? क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा करने के पीछे रीजन ये है दोस्तों कि अगर अपने देश की बात किया जाए तो जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, ये सब विकसित कंट्री हैं, यहाँ पर ये लोग मेडिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा वहाँ पर मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, COVID-19 की वजह से। तो सोचिए अगर भारत में ये स्थिति, अब मरीजों की संख्या अगर बढ़ती रहेगी तो क्या होगा? सिचुएशन बहुत ही बिगड़ जाएगा, नज़ारा बहुत गड़बड़ फील होगा। दोस्तों, अगर बात करें अपने भारत में, तो अपने भारत में जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। मेडिकली भारत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अभी आपने सुना होगा बहुत सारे शहरों में जो डॉक्टर हैं कोरोना के डर की वजह से छोड़ करके भाग जा रहे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं? भागने के पीछे मात्र रीज़न ये है कि उनके पास जो पर्सनल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उनके ड्रेसेस होते हैं, वो सब नहीं है, इसमें वो लोग डर डर के भाग रहे हैं। जिस वजह से आप जानते हो कि दोस्तों, अगर मेडिकली हम लोग स्ट्रांग नहीं हैं तो स्ट्रांग हम अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। और अगर मेडिकली हम लोग स्ट्रांग नहीं हैं तो स्ट्रांग अपने आप को कब हम दिखा सकते हैं? जब भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप को लॉकडाउन करेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको बोला है कि अपने घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, तो सबसे बड़ा देशभक्ति हमारा यही है। इसी से हम लोग जंग जीत सकते हैं कोरोना से। अदरवाइज दोस्तों, अभी ये आंकड़ा जो 500 के आसपास पहुंच रहा है, जिस दिन आंकड़ा 1,000 के पास पहुंचेगा दोस्तों, यकीन मानिए कि अपने देश को भरभराते हुए गिरते हुए देखेंगे। बहुत ही भयानक स्थिति आ सकती है अगर आप लोग अपने आप को लॉकडाउन नहीं करेंगे तो। दोस्तों, अब वो समय आ गया है अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है और साथ में अपने इंसानियत को भी इस समय निभानी है कि हमारी इंसानियत क्या है। दोस्तों, हमारी बहुत सी, भारत की बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जो सड़कों पर सोती है, मांग कर खाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ जनसंख्या ऐसी है जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय इस मुसीबत की घड़ी में प्रत्येक भारतीय का अपना एक कर्तव्य है कि वह अपने गरीब पड़ोसी का भी मदद करे, जिससे वो कोरोना से भी बचे और भूखमरी से भी बचे। यही सबसे बड़ी इंसानियत है।
और सबसे बड़ी देश सेवा दोस्तों मात्र यही एक ही है, मात्र एक ही सबसे बड़ी देश सेवा है कि अपने आप को संक्रमित होने से बचाइए, जिससे आपका परिवार बचेगा, जिससे आपका समाज बचेगा, जिससे आपका पूरा काम देश बचेगा। दोस्तों जितनी बात मैं बता रहा हूँ उस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और उसको फॉलो करिए। मैं छोटे से चैनल के माध्यम से, एक छोटे से गांव से, मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए कंप्लीट 21 दिनों तक, 14 अप्रैल तक, अर्थात जब तक लॉकडाउन स्वयं केंद्र सरकार अपनी तरफ से न तोड़े तब तक आप लोग अपने आप को लॉकडाउन करिए अपने परिवार को बचाने के लिए। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और फैलने से रोकने के लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जिसको आपको फॉलो करना है अगर आप अपने आप को संक्रमित होने से बचाना चाहते हैं तो। नंबर वन, बार बार अपने आप को, बार बार अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें प्रॉपर वे में दोस्तों। नंबर दो, खांसते व छींकते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अपने भुजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भुजा मतलब बाहों का, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो। अगर आपने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है तो उस टिश्यू पेपर को आप इधर उधर ना फेंकें बल्कि उसे एक प्रॉपर स्थान अर्थात कूड़ेदान में ही डालना। हाथ को बिना धोए दोस्तों ना तो अपने नाक के पास, ना ही अपने मुंह के पास, ना ही अपनी आंख के पास ले जाएं, छूने से बचाएं। अगर आपके आसपास अथवा आपके परिवार में ही कोई कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज आपको दिखे अथवा मिले तो उसके संपर्क में आने से बचें क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों। इससे आप खुद अपने आप को ही बचा सकते हैं और सबसे बड़ी जीत हम लोगों की तभी होगी जब हम लोग कोरोना से अपने आप को पूरी तरीके से घर के अंदर लॉकडाउन कर लेंगे और अपने देश को हम तभी बचा पाएंगे दोस्तों। तो जिस तरीके से आप लोगों ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का बखूबी पालन किया था उसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं और अपने स्टूडेंट से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वो पूरी तरीके से 21 दिनों तक के लिए अर्थात 14 अप्रैल तक के लिए अपने को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट अर्थात लॉकडाउन को फॉलो करें पूरी तरीके से, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाएगी। लास्ट में जाते जाते एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के लक्षण उसे मिलता है अथवा उसे महसूस होता है कि हमें लक्षण दिख रहा है तो तत्काल जो है वह स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकता है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जिसका फोन नंबर मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, वहां से आप उसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, आप उस कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत नमस्कार और अपने आप को लॉकडाउन करके पूरी तरीके से अपने परिवार को सेव करिए। धन्यवाद।